हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर शौकीन्स चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत सपोर्ट करता है। और कौन से इसमें पैसे लगते हैं, बस सब्सक्राइब ही तो करना है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पैराडाइज सिटी मूवी, जिसमें आपको एक्शन और थ्रिलर की कोई कमी नजर नहीं आएगी। तो चलिए मूवी शुरू करते हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जब ब्रूस एक गाड़ी में से एक आदमी को घसीट कर बाहर ले जाता है और फोन निकालकर बात करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ एक गैंग के मेंबर आके ब्रूस से उस आदमी को उन्हें देने के लिए बोलते हैं, लेकिन ब्रूस मना कर देता है। तो वहाँ गोली चलना स्टार्ट हो जाती है और तभी एक गोली आके ब्रूस को लगती है और वो पानी में गिर जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रॉबी नाम का एक व्यक्ति एक ओपन जिम में जाता है और वो वहाँ गोहा नाम के एक लड़के से मिलने जाता है। रॉबी उसको बताता है कि तुम बेल पर हो और तुम्हें पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना चाहिए। और गोहा यहाँ बहाने बनाने लगता है और बोलता है कि वो अपनी मॉम के साथ था, लेकिन तभी वो वहाँ से भागने लगता है। लेकिन रेयान जो कि ब्रूस का बेटा है, वो अपनी गाड़ी का गेट ओपन करके गोहा को गिरा देता है और तभी रॉबी उसको आके पकड़ लेता है। फिर रेयान और रॉबी बात करने लगते हैं। रॉबी के साथ उसकी कलीग कैट भी होती है और वो बोलती है कि हमें ब्रूस की मौत का दुख है, लेकिन यहाँ रेयान अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता था और वो उसी गैंग को ढूंढ रहा होता है। यह रॉबी और कैट बोलते हैं कि उनके काम में उनके बहुत दुश्मन थे और वो फिर रेयान को वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। फिर रेयान और रॉबी एक गेम क्लब में आते हैं और वहाँ पूल खेलते खेलते रॉबी उसके माँ और अपने अफेयर के बारे में रेयान को बता देता है। यहाँ रेयान भी बोलता है कि मैं पहले से जानता था और यही रीजन था जिसकी वजह से मेरी माँ और ब्रूस अलग अलग रहते थे, और रॉबी सॉरी भी बोलता है। फिर रेयान एक वीडियो रॉबी को दिखाता है और बोलता है कि ब्रूस इस गुंडे को ढूंढ रहा था। तो रॉबी बोलता है कि दुनिया के सारे गुंडे यहाँ आते हैं, लेकिन रेयान बोलता है कि मैंने पता लगाया था ये एक इंटरनेशनल माफिया है, अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो ब्रूस की मौत का पता लगा सकते हैं। दरअसल इनको बस इतना पता था कि ब्रूस मर चुका है, लेकिन उसकी बॉडी इनको नहीं मिलती, तो ये लोग सोचते हैं कि उसको शार्क ने खा लिया था। नेक्स्ट सीन में एक जगह पार्टी चल रही थी और वहाँ का मालिक था जॉन, और जॉन यहाँ एक लेडी से बात करता है और वहाँ के नए सैनिटर की तारीफ करता है जो उसके खास दोस्त थे। और उसी होटल में रॉबी और रेयान भी होते हैं और वो वहाँ एक रूम में आ जाते हैं। यहाँ ब्रूस आखिरी बार आया था और वो लोग रूम में देखते हैं तो पहले से वहाँ मैस क्रिएट होता है, लेकिन यहाँ कुछ गुंडे उन पर पहले से नजर रख रहे थे। और जब वहाँ होटल का स्टाफ आता है तो उसको मार देते हैं और रूम में एंटर करते हैं और फाइट स्टार्ट हो जाती है। और रेयान वहाँ से नीचे एक स्विमिंग पूल में कूद जाता है और जैसे ही वो बाहर आता है तो कुछ ऑफिसर्स आके उसको पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट डे जॉन रेयान को अपने पास मिलने बुलाता है और बोलता है कि कल तुम लोगों ने मेरे होटल में काफी तोड़फोड़ की है, लेकिन जॉन बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर को जानता था, मैं उनसे एक बार अपने ही होटल में मिला था और ब्रूस बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने मुझसे एक गुंडे के बारे में पूछा था जिसका नेम माइक था, लेकिन मैंने मना कर दिया था तो वहां से वो चले गए थे। और कहीं ना कहीं मुझे भी ब्रूस की मौत का बहुत दुख है और इसीलिए आज मैं तुम्हें उनकी वजह से छोड़ रहा हूँ। और रेयान भी उसको थैंक्स बोलता है और वहां से चले जाता है। फिर रेयान को वहाँ कैट मिलती है, तब कैट उसको बताती है कि जॉन शहर के सबसे अमीर आदमियों में से है और वो बहुत बुरा आदमी है। रेयान भी बोलता है कि मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लगी। और साथ ही उस होटल फाइट के बाद रॉबी भी गायब होता है, उससे भी रेयान दुखी होता है, लेकिन कैट बोलती है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं अपने दोस्तों से उसका पता लगा लूंगी। फिर रेयान और कैट उसी बीच पर जाते हैं जहां ब्रूस की मौत हुई थी और रेयान छानबीन स्टार्ट कर देता है और यहां कैट को ब्रूस का फोन मिल जाता है। इधर रॉबी को भी जॉन ने ही पकड़ा था, वो रॉबी को एक ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन रॉबी मना करता है और रॉबी उसको गाली देता है। फिर जॉन के आदमी रॉबी को बहुत मारते हैं और यहाँ रेयान और कैट ब्रूस के फोन को अनलॉक कर लेते हैं और वहाँ उन्हें ब्रूस के आखिरी टाइम का वीडियो देखने को मिलता है। और फिर वो लोग जंगल की तरफ जाते हैं जहाँ आदिवासी रहते थे और वो लोग इस जंगल को पैराडाइज सिटी बोलते हैं और वहाँ आदिवासी लोग रेयान पर बंदूक तान देते हैं, लेकिन कैट आके उन्हें शांत करती है और रेयान बोलता है कि वो बस अपने पिता की मौत की छानबीन कर रहा है। तो फिर सभी वहां से जंगल की तरफ आगे चल देते हैं और फिर वहां एक आदमी आता है जिसका नाम ककूना होता है। वो रेयान को अपने साथ चलने को बोलता है और रेयान भी उसके साथ चल देता है। फिर वो आदमी एक ड्रिंक देता है और बोलता है कि अपने पिता को याद करो, और जैसे ही रेयान वो ड्रिंक पीता है उसको उसका बचपन का सीन याद आता है जहाँ ब्रूस उसे एक फाइटर बनाना चाहता था, और तभी पीछे से ब्रूस आ जाता है और रेयान यहाँ बिल्कुल शॉक्ड होता है और ब्रूस बोलता है कि मुझे ये नाटक करना पड़ा। इसका आपको मूवी में आगे पता चलेगा। फिर रात को आदिवासी लोग बोलते हैं हम लोगों को ब्रूस किनारे पर घायल मिला था, तब हमने उसे बचा लिया। फिर रेयान पूछता है कि आप जॉन के पीछे क्यों पड़े हो। फिर ब्रूस एक वीडियो प्ले करता है जहां वो बताता है कि जॉन ने प्लास्टिक सर्जरी से अपना फेस चेंज कर लिया है और वो वही इंटरनेशनल माफिया माइक है, लेकिन वो यहां अपना फेस बदल कर रह रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मूवी के स्टार्टिंग में उसने माइक को ही पकड़ा था, लेकिन उसके आदमियों ने उसको छुड़ा लिया और माइक ने आजाद होने के बाद मुझ पर गोली चला दी जिससे उसको लगा कि मैं मर चुका हूं और वो
पूरे हवाई शहर में अपना ड्रग का धंधा चला रहा है और इस शहर को बर्बाद करना चाहता है। फिर कैट को उसके एक दोस्त का फोन आता है जहाँ उसे पता चल जाता है कि रॉबी जॉन के ही होटल में कैद है और सबसे वो उनकी हेल्प करने को भी बोलती है। और फिर ब्रूस, रियान और कैट वहाँ से एक कार लेकर चले जाते हैं, लेकिन तभी जॉन के गुंडे आकर उन आदिवासियों पर हमला कर देते हैं और वो सभी को मार देते हैं। और यहाँ रियान, कैट और ब्रूस एक होटल में होते हैं और वो वहाँ न्यूज देखते हैं कि पैराडाइज सिटी में आग लग चुकी है और सब मारे जा चुके हैं। यहाँ कैट को बहुत दुख होता है और उसको पता था कि इसके पीछे जॉन है और वो कैसे भी ये सब प्रूफ करके मानेगी, ऐसा बोलती है। यहाँ रियान और ब्रूस भी उसका साथ देने को बोलते हैं। फिर कैट बोलती है कि जॉन के होटल में पार्टी चल रही है और ये सबसे अच्छा मौका है वहाँ से रॉबी को बचाने का और जॉन को मारने का। फिर रियान और कैट भेष बदलकर उस पार्टी में एंटर करते हैं। इधर जॉन का ध्यान न्यूज पर सेनेटर को शहर की तारीफ करते हुए देखने में होता है। दूसरी तरफ गोवा जॉन के सामने आ जाता है और वो उसको पहचान लेता है और गोवा बोलता है कि मैं जॉन के लिए काम करता हूं क्योंकि उसने उसको जेल से छुड़ाया था। लेकिन रियान यहां बताता है कि जॉन ने पैराडाइज सिटी के सब लोगों को मार दिया है और सब तबाह कर दिया है। यहाँ गोवा को बहुत गुस्सा आता है और वो भी जॉन से बदला लेना चाहता है और फिर वो रियान को उसके पीछे आने को बोलता है और नीचे बेसमेंट की तरफ ले जा रहा होता है तभी वहाँ ब्रूस मिल जाता है और ब्रूस बोलता है कि मैं टनल से आया हूँ। और जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं उन्हें रॉबी मिल जाता है और फिर रियान रॉबी को खोल देता है और यहाँ रॉबी ब्रूस को देखकर चौंक जाता है। ब्रूस बोलता है कि मैंने तुम्हें बचाया है तो मैं तुमसे बेहतर हूँ, बट रियान यहाँ दोनों को शांत रहने के लिए बोलता है और फिर सभी वहाँ से निकलकर आगे बढ़ते हैं और एक के बाद एक गुंडों को मारने लगते हैं। यहाँ जॉन को भी पता चल जाता है कि ऊपर गोलियां चल रही हैं और वो अपने बेटे क्रिस को लेकर वहाँ से निकलने लगता है। इधर ब्रूस की टीम भी बाहर आ जाती है और गुंडों पर गोली चलाने लगती है और जॉन और क्रिस को पकड़ लेते हैं। लेकिन यहाँ जॉन का एक आदमी गोवा को मारकर रियान को भी घायल कर देता है और फिर ब्रूस बाहर आकर जॉन पर बंदूक तान देता है और जॉन भी ब्रूस पर बंदूक तान देता है। तब जॉन बोलता है कि ब्रूस तुम मेरे पीछे पिछले 10 साल से पड़े हो लेकिन आज तक ये साबित नहीं कर पाए कि मैं कौन हूँ। लेकिन ब्रूस बोलता है कि जब मैं तुम्हारे होटल में तुमसे मिलने आया था तब मैंने तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लिए थे और अब मैं सब कुछ साबित कर सकता हूँ। और तभी बोट आ जाती है। यह ब्रूस जॉन के बेटे क्रिस को बोलता है कि इसने तुम्हारी माँ को अपने हाथों से मारा था और ये बहुत बुरा इंसान है। फिर क्रिस ये सुनकर जॉन से अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाता है, लेकिन जॉन इतने में ब्रूस पर गोली चला देता है और बोट पर चढ़कर भागने लगता है। फिर रियान ब्रूस के पास आता है और ब्रूस बोलता है कि मुझे छोड़ो, जॉन को जाने मत दो। फिर रियान एक स्नाइपर गन से जॉन की बोट को उड़ा देता है लेकिन जॉन पानी में कूद जाता है। लेकिन यहाँ रियान और रॉबी देखते हैं कि ब्रूस मर चुका है और रात को वहाँ आके पुलिस जॉन को पकड़ लेती है और उसको ले जाती है। फिर रॉबी रियान की तारीफ करता है और फिर सब पैराडाइज सिटी में ब्रूस के फ्यूनरल के लिए आते हैं और यहाँ कैट रियान की तारीफ करती है और रियान कैट को किस कर लेता है और यहाँ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से ये वीडियो आगे भी शेयर हो जाती है।